आज आपको एक छोटी सी अपडेट हम देना चाह रहे थे कि पिछले कुछ 4 या 5 दिन से हमारा जो सलूनी एरिया के हमारे पॉजिटिव्स आए थे, जो पहले 2 लोग आए थे, उसके बाद उनकी बेटी आई थी एक व्यक्ति की, और उसके बाद 3 और लोग आए थे। तो ये सारे लोग जो हैं अभी तकरीबन 33 लोग पहले प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स में आए थे और 47 जो हैं उसके बाद आए थे। जो 3 लोग बाद में निकले थे उनके 47 प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स आए थे। तो कुल मिलाकर 80 लोगों का जो सैम्पलिंग है वो की गई थी, जिसमें संभावना थी कि कुछ और लोग निकल के आएंगे। पर खुशखबरी की बात ये है कि 80 लोगों के जो सारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, सभी 3 और 2 5, एक तो बच्ची है, टोटल 6 हैं, उनमें से 5 के जो आपके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं वो सभी के सभी इस वक्त जो हैं वो नेगेटिव आ चुके हैं। तो एक राहत की सांस की बात है कि हमारे 80 लोग जो सारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे, उनके परिवारजन थे, उनके निकटतम दोस्त थे, जिनके साथ वो घूमे फिरे हैं वो थे, तो वो सभी लोग जो हैं आपके कोविड पॉजिटिव होने से बच गए हैं। और जो सलूनी वाली चेन है वो इस वक्त हम कह सकते हैं कि फ़िलहाल जो है हमारी, हम इसको कह सकते हैं कि ये टूट गई है। इसके अलावा 1 या 2 जानकारियां हैं, जैसा कि प्रदेश सरकार ने एक डिसीज़न लिया है कि आप बिना पास के ज़िले में कर्फ्यू रिलैक्सेशन आवर्स के दौरान अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। पर फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे कि बेवजह बिल्कुल बाहर ना निकलें, और घूमने फिरने के लिए तो बिल्कुल भी ना निकलें। और दूसरा, जो प्रदेश सरकार का हमारा एक डिसीज़न है कि आप मार्केट्स जो हैं अब 7 घंटे के लिए हम खोलेंगे, तो वो भी आज हमने ऑर्डर निकाल दिया है, और ये हमारे अब 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है डेली अर्बन एरियाज़ में भी खुलेंगी और रूरल एरियाज़ में भी खुलेंगी। सो आज के लिए आपके लिए यही अपडेट थी। अपने आप को सुरक्षित रखें, और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये कोरोना का जो एक संकट है वो टल चुका है। सिर्फ ये है कि अब हमें सोशल डिस्टेंसिंग और अपने आप की हैंड वॉशिंग और जो हमारे कफ एटिकेट्स हैं, सिम्टम आने पर डॉक्टर के पास जाना, ये सब चीज़ें हैं, बस इसका हमें थोड़ा सा एक प्रिकॉशन जो है रखनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।